हाय गाइस, कैसे आप सब? ये देखिए, ये है मेरा आज का लंच, जो बहुत ज्यादा हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। बहुत हेल्दी और बहुत टेस्टी। जरूरी नहीं है कि हम डाइट करें तो टेस्टी नहीं खा सकते। डाइट के साथ साथ टेस्टी भी खा सकते हैं। और ये मैंने कैसे बनाया है तो वीडियो को पूरा देखना तो आपको पता चलेगा ये प्लेटर मैंने कैसे बनाया। ये देखिए, तो चलिए देखते हैं कैसे बनाया है। सबसे पहले हम लेंगे आधा कटोरी अरहर की दाल। इसे कई जगह तुअर की दाल भी कहा जाता है। आप लोग क्या कहते हैं कमेंट करके जरूर बताना। इसे हम अच्छे से 2-3 बार पानी से धो लेंगे ताकि कोई भी डस्ट हो इसके ऊपर तो वो निकल जाए। और इसे अब हम डालेंगे कुकर में। ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी होने वाली है क्योंकि हम इसमें बहुत सारी सब्जियों का यूज करेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे 3 कटोरी जितना पानी और डालेंगे नमक और थोड़ी सी हल्दी। और इसे ना हम तेज गैस पर 2 सीटी लगवा लेंगे। 2 से 3 सीटी लगवानी है, अभी ज़्यादा नहीं लगवानी है। और जब तक हम कुछ सब्जियां काट लेते हैं, जब तक इसमें सीटी आ रही है। इस रेसिपी को बनाने में मुझे सिर्फ आधा घंटा लगा था। आप भी अगर मेरी तरह बनाएंगे तो झटपट बना के तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने निकाला है सीताफल। इसमें से थोड़ा सा पार्ट मैं काट के निकाल लूंगी, काफी बड़े साइज का है। क्योंकि ये मैं सीताफल, घिया और गाजर डाल रही हूँ सब्जियों में। आप चाहें तो और भी सब्जियां डाल सकते हैं इसके अंदर, जैसे तोरी, बैंगन, काफी सारी सब्जियां सांबर में डाली जा सकती है। जी हाँ, आज हम बना रहे हैं सांबर और साथ में ओट्स की इडली। ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी और हेल्दी होने वाला है क्योंकि इसे हम बनाएंगे ओट्स के साथ और सांबर में डालेंगे खूब सारी सब्जियां और कम तेल में सांबर को बनाकर तैयार करेंगे। ये देखिए, सारी सब्जियों को मैंने काट लिया है। आप चाहें तो इसमें तोरी और घिया भी, सॉरी, बैंगन भी काट के डाल सकते हैं। दाल में 2 सीटी आ गई थी, भाप निकल गई थी और मैंने कुकर को खोल के सारी सब्जियां इसमें डाल दी है। और अब हम क्या करेंगे, कुकर का ढक्कन लगा के 2 सीटी और लगवा लेंगे। ज्यादा नहीं लगानी है, 2 ही लगानी है, नहीं तो सब्जियां बहुत ज्यादा घुल जाएंगी। इसलिए हमने सब्जियों को पहले दाल के साथ नहीं डाला है। 2 सीटी लगाएंगे, दाल भी पूरी तरह घुल जाएगी और जो हमारी सब्जियां हैं वो हल्की सॉफ्ट हो जाएंगी क्योंकि हमें सब्जी को ज्यादा मिक्स नहीं करना है। अब मैंने एक पैन रखा है, उसमें डाला है मैंने ओट्स। 1 कटोरी ओट्स को हम हल्का सा भून लेंगे खुशबू आने तक। कलर चेंज नहीं करना है, बस हल्का सा रोस्ट करना है ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। और फिर इसे हम क्या करेंगे ना, ठंडा करके पीस लेंगे और फिर इसे इडली में यूज करेंगे। तो चलिए, जब तक ओट्स ठंडे होते हैं हम सांबर का तड़का बना लेते हैं। एक पैन में हम डालेंगे थोड़ा सा सरसों का तेल। इसे अच्छे से गर्म करना है ताकि इसकी जो स्मेल है ना वो खत्म हो जाए। मैं पीली सरसों का तेल यूज करती हूँ, उसमें तेल की स्मेल कम होती है। इसके अंदर हम डाल देंगे 2 सूखी लाल मिर्च, हम डालेंगे सरसों और राई, दोनों डालेंगे। आप चाहें तो एक चीज भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा मेथी दाना, बिल्कुल थोड़ा सा, 1/4 टीस्पून जितना, कड़ी पत्ता। और इसमें डाल देंगे प्याज, ये 2 प्याज लिए थे, इसे लंबा लंबा स्लाइस कर लिया है मैंने। और इसे हम भूनेंगे, हल्का गोल्डन कलर आने तक हमने इसे भून लेना है। और उसके बाद इसके अंदर हम डाल देंगे 2 बारीक कटे हुए टमाटर, इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। और टमाटर डालने के बाद तो आपको पता ही है क्या डालना होता है, जिससे हमारे टमाटर जल्दी गल जाते हैं, नमक। नमक हम थोड़ा सा डालेंगे क्योंकि हमने दाल में भी नमक डाला है, उसी हिसाब से नमक डालें। जब तक आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, और रेसिपी पसंद आ रही तो प्लीज रेसिपी वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। टमाटर गलने के लिए हमने छोड़ दिए हैं, ये देख रहे हैं, अच्छे से इसे मिक्स करें। और देख रहे हैं टमाटर हल्के से गल गए हैं, साथ साथ मैंने गैस भी क्लीन कर रही हूँ क्योंकि गैस पे काफी सारी छींटे पड़ जाती हैं। जैसे ही हम गर्म तेल में राई डालते हैं ना, वो इतना उछाले मारती है तो छींटे पड़ जाती हैं सारी गैस पे और सेल्फ पे। तो टमाटर को गलने देते हैं और इडली का बैटर बना लेते हैं। इडली का बैटर बनाने के लिए जो हमने ओट्स पीसे थे वो डाल दिए, आधा कटोरी सूजी डाल दी और आधा कटोरी डाली है दही। और इसमें डाल कटोरी पानी और इन सबको ना हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एकदम अच्छे से मिक्स करके हम इसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट कराना है, 10-12 मिनट के लिए, जब तक हम सांबर को पूरा कर लेते हैं। इधर देखिए, टमाटर अच्छे से गल गए हैं। इसके अंदर हम डालेंगे मसाले जो हमें अब इसमें डालने हैं। इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून जितना डाला है क्योंकि कम स्पाइसी बनाऊंगी मैं। और इसके अंदर डालेंगे सांभर मसाला, सांभर मसाले में भी स्पाइस होता है इसलिए मैंने इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है। 2 चम्मच भर के सांभर मसाला डाला है, 1 चम्मच डाली है कश्मीरी लाल मिर्च। और इन सबको अच्छे से मिक्स करके हम भून लेंगे।
ये देखिए अच्छे से मसाले को भून लेना है। इसमें हम डालेंगे इमली का पानी। इमली को मैंने गर्म पानी में भिगो के रख दिया था 10-15 मिनट पहले, और फिर उसे अच्छे से हाथों से मैश करके छान लिया, तो हमारा इमली का पानी बन के तैयार हो गया। इमली का पानी हमने इसमें डाल दिया है, और ये देखिए हमारा तड़का अच्छे से बन गया है। उधर दाल की भी प्रेशर निकल चुका है, उसमें से थोड़ी सी दाल मैं डाल निकाल के इसमें तड़के में डालूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि डायरेक्ट हम दाल में तड़का लगाते हैं ना तो उतना मजा नहीं आता है। थोड़ी सी दाल पहले आप इस तड़के में डालें और फिर उसके अंदर वापस डाल दें, तो उससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। मैं आपको सब्जियां भी दिखा देती हूँ। देख रहे हैं एकदम अच्छे से गल गई हैं, बिल्कुल ज्यादा मैशी भी नहीं हुई है और गल भी गई है, और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ये देखिए। और अब हम इस तड़के को डाल देंगे अपनी दाल के अंदर, यानी कि कुकर के अंदर, और हमारा सांभर ना बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनता है और झटपट बन के रेडी हो जाता है। और आज हमने काफी सारी सब्जियां डाल के बनाया है, सब्जियां ज्यादा है दाल कम है, उस हिसाब से ये काफी हेल्दी है और तेल भी हमने कम यूज किया है। और अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी ये मुझे थोड़ा गाढ़ा लग रहा है, तो मैं इसमें डालूंगी उबाल कर पानी। पानी को जब भी हम सांभर में या कोई सब्जी में बाद में डालते हैं ना, तो हमेशा गर्म ही डालें, ठंडा पानी ना डालें। ठंडा पानी डालने से टेस्ट खराब हो जाता है, तो गर्म पानी डाल दिया और इसे 1-2 मिनट के लिए हम उबलने देंगे। देख रहे हैं इसे उबलते हुए, 2-3 मिनट हो गए, कितना अच्छे से इसमें उबाला आ रहा है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा गुड़ भी डाल सकते हैं, उससे भी और अच्छा फ्लेवर आता है, मगर मेरी बेटी को थोड़ा गुड़ वाला कम पसंद है, तो मैंने गुड़ नहीं डाला है। हरा धनिया डाल के अच्छे से मिक्स कर दिया और हमारा सांभर बन के रेडी हो गया है। इधर हम इडली की भी तैयारी कर लेते हैं। सांचों में मैंने लगा दिया थोड़ा सा देसी घी, आप चाहें तो ऑयल भी लगा सकते हैं। और देसी घी लगा के चलिए अब हम बैटर देख लेते हैं। बैटर देख रहे काफी थिक हो गया है। इसके अंदर हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हम पानी डालेंगे, ताकि थोड़ा सा पतला हो जाए। हमें ज्यादा पतला नहीं करना है, बहुत पतला कर देंगे तो इडली बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। ये देखिए बिल्कुल थोड़ा सा पानी मैंने और डाला है, इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी हमें इसकी चाहिए, देख रहे हैं आप, बस ऐसे ही। और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच भर के इनो। एक सैशे इसमें इनो चला जाएगा अगर आप सैशे से डाल रहे हैं। इसके ऊपर बिल्कुल 1 टेबल स्पून जितना पानी डाला है और अच्छे से मिक्स कर लिया है। इनो कहीं भी रहने नहीं चाहिए, अच्छे से मिक्स कर लें, बहुत ज्यादा नहीं फेंटना है, फटाफट से मिक्स करना है। ये बैटर काफी लाइट हो जाएगा और उसके बाद हम अपने इडली स्टैंड में डाल देंगे इसे जल्दी जल्दी। और हमने साइड में पानी भी गर्म होने रखा हुआ है और सारी इडली को मैं इसमें डाल दूंगी। इसमें इस बैटर से 9 इडली बनकर रेडी हो जाएगी मेरी, और 2 जनों के लिए काफी है। ये देखिए इधर हमने पानी उबलने के लिए रख दिया है और इस इडली स्टैंड को हम इसमें डाल देंगे, और सिर्फ 5 से 7 मिनट लगेंगे इसे बनने में, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। बहुत ज्यादा देर रख देंगे ना तो ये चिपचिपी हो जाएगी। 5 से 7 मिनट बाद आप इसे चेक करें चक्कू डाल के या टूथपिक डाल के, अगर वो क्लीन निकल रही है तो हमारी इडली बनकर रेडी हो गई है। बस इडली को मोल्ड को निकाल के 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, जैसी वो हल्की सी ठंडी हो जाएगी इसे हम मोल्ड से निकाल लेंगे। और ये हमारी टेस्टी यम्मी इडली बनकर रेडी हो गई है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। मेरी बेटी को सबर नहीं हो रहा था, कहती मम्मी जल्दी से लंच दे दो, क्योंकि खुशबू से उसको हो रहा था फटाफट मैं खा लूँ। ये हमारा टेस्टी सा सांभर और ये इडली, ये बेटी के लिए लगा दिया मैंने बाउल, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी, बहुत यम्मी लगता है, एक बार जरूर बनाना। और बहुत हेल्दी है, गिल्ट फ्री खा सकते हैं आप, इसे डाइट में भी खा सकते हैं, कोई भी नुकसान नहीं देगा। और देखिए मैं अपने लिए भी प्लेट लगा लेती हूँ। ये देख रहे हैं सांभर इतनी सारी सब्जियों के साथ, कौन कहता है कि अगर हम हेल्दी खाना चाहते हैं तो हमें बकवास खाना खाना है, हम ऐसे भी टेस्टी खाना भी खा सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक।